और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हूँ इनोवा क्रिस्टा के साथ में। आज लेके आया हूँ आपके लिए इनोवा क्रिस्टा 2.4 डीजल, मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। क्या इसकी वीडियो आज पूरी रिव्यू देखेंगे कैसी क्या रहती है। ये रही इसकी चाबी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिया रहता, टोयोटा का लोगो, साथ में लॉक अनलॉक देते। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो फ्रेंड्स वीडियो को अपन इंटीरियर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो अपन आउटीरियर भी बाद में कवर करेंगे, थोड़ा बारिश रुक जाए उसके बाद में। जैसे अपन इंटीरियर में बात करेंगे तो यहाँ पे हमें पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है इंजन के लिए, यहाँ पे मिल जाता है हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ब्रेक दबाने के बाद पुश स्टॉप बटन करेंगे, वैसे इंजन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑटोमेटिक ऑन हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे मिल जाता है हमें आरपीएम मीटर, साथ ही में पार्किंग की इंडिकेटर लाइट भी मिल जाती है, हीट का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे एक छोटी सी एमआईडी डिस्प्ले मिल जाती है, साथ ही में इधर हमें स्पीड देखने को मिल जाती है। अब यदि मैं ओवरऑल इसकी बात करूँ स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग हमें माउंटेन कंट्रोल के साथ में मिलता है। यहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस के मिल जाती है, मोड्स मिल जाता है, साथ ही में टोयोटा का लोगो भी मिल जाता है और यहाँ पे भी हमें कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश में है जो कि वुडन फिनिश है हल्का सा, यहाँ पे लेदर है, लेदर स्ट्रिच किया हुआ है जो कि कंपनी फिटेड ही आता है। अब यदि डैशबोर्ड की बात करूँ तो डैशबोर्ड हमें यहाँ पे सॉफ्ट टच देखने को नहीं मिलता, फुल प्लास्टिक है ये। यहाँ पे एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं, साथ ही में वुडन फिनिश में डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। यदि बात करूँ मैं इसके सेंट्रल कंसोल की, तो यहाँ पे हमें टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है जो कि 10 इंच के आसपास है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है कितना है। यहाँ पे हमें हजार्ड लैंप की स्विच मिल जाती है, साथ ही में रियर व्यू मिरर मिल जाता है जो कि ऑटोमेटिक है। अब यदि बात करूँ मैं यहाँ के कुछ कंट्रोल्स की, तो यहाँ पे हमें एसी कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में जैसे ही हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे इको मोड, साथ ही में पावर मोड देखने को मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ की स्विच यहाँ पे दी गई है। उसी के बाद में यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक गियर नॉब मिल जाता है जो कि न्यूट्रल रिवर्स पार्किंग, साथ ही में अगर हम इसको, यदि मैं इसको डी पे डालूंगा तो उसके बाद में ये ऑटोमेटिक यहाँ पे गियर जैसा मैनुअल यूज करते हैं वैसे मिल जाता है। सेप्टर हमें स्टीयरिंग में देखने को नहीं मिलते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमें क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है बस। उसके बाद में यहाँ पे हमें हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है, ये सॉरी जिसकी गाड़ी उनने हटाए नहीं थे उसको माइंड मत करिएगा, हैंड ब्रेक देखने को मिलता है। साथ ही में कुछ स्टोरेज के पॉइंट ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे कॉइन्स है, यहाँ पे भी अपन कुछ रख सकते हैं, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। नीचे में यदि आप बात करें तो 2.1 एम्पियर के यहाँ पे यूएसबी सॉकेट देखने को मिल जाता है, साथ ही में यहाँ पे भी एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है। ये तो बात हुई इसके सेंट्रल कंसोल की। अगर मैं साइड कंसोल में इसकी बात करूँ तो यहाँ पे हमें डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है, बहुत ही प्यारा ओपनिंग दिया हुआ है, लेकिन छोटा स्पेस, उतनी ज्यादा स्पेस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हमें एयर बैग की प्लेसमेंट की बेजिंग मिल जाती है, साथ ही में यहाँ पे बहुत बड़ा रियर व्यू मिरर मिल जाता है, यहाँ पे हमें कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि ऑटोमेटिक हर गाड़ी में ही रहते हैं। अब यदि बात करूँ मैं इसके अप साइड की, तो यहाँ पे हमें लाइट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर मैं स्विच को क्लियरली आपको विजिट करवाऊँ, यहाँ पे हमें लाइट के स्विच मिलते हैं, साथ ही में यहाँ पे हम लाइट कम ज्यादा भी कर सकते हैं ब्लोस का। यहाँ पे हमें डोर के साथ में लाइट ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे भी हमें लाइट्स के ही ऑप्शन मिल जाते हैं। अब इधर की बात करूँ तो यहाँ पे वैनिटी मिरर में कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलती है, उधर साइड में यहाँ पे भी वैनिटी मिरर में कोई भी यहाँ पे लाइट देखने को मिल जाती है ऊपर साइड में, साथ ही में यहाँ पे हमें ग्रैब हैंडल भी देखने को मिल जाता है, इस साइड भी ग्रैब हैंडल है। चलिए फ्रेंड्स ये तो बात हो गई इसके फ्रंट साइड की। हाँ, फ्रंट साइड से और एक चीज बताना मैं आपको भूल गई, यहाँ पे फुल डोर में ही कंट्रोल दिया गया है। अब टोयोटा है तो बहुत ही अच्छी ब्रांड, लेकिन फीचर्स के नाम पे ज्यादा कुछ नहीं देती क्योंकि उसको टैक्स बहुत देना पड़ता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके रियर साइड की। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं पीछे साइड में, यहाँ पे भी हमें पावर विंडो के स्विच मिल जाता है, यहाँ पे हैंडल लॉक का मिल जाता है, काफी अच्छा लेग रूम है, लेकिन फीचर्स नहीं है। लग्जरी ब्रांड है जरूर, लग्जरी भी कार है, बहुत लग्जरी। अगर आपको ऊपर साइड में दिखाऊं, एक बार आपको डोर ओपन करता हूं,
उसके बाद में जैसे ही क्लोज करूंगा तो एनिमेट लाइटिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक जलना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे भी जल जाती है। लग्जरियस के मामले में तो बहुत अच्छी है कार, ऐसा कुछ ज्यादा ये नहीं है। यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे लाइट्स देखने को मिलती है जो कि डोर और साथ ही में स्विच के साथ भी कंट्रोल होती है। यहाँ पे सेंटर में हमें एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इधर साइड में भी ग्रैब हैंडल और रीडिंग लैंप मिल जाता है। अब मैं बात करूँ इसके सीट की, तो यहाँ पे हमें ट्रे देखने को मिल जाती है जो कि एक प्लास्टिक की है, ज्यादा कुछ ऐसा हेवी नहीं है लेकिन नॉर्मल ही है। एक अपन इजीली कोई भी चीज रख के अपन खाना वाना खा सकते हैं आराम से। इस साइड भी सेम दी हुई है, यहाँ पे सीट फोल्ड का भी ऑप्शन दिया गया है। अब यदि पीछे साइड में यहाँ पे ज्यादा बड़ा तो हम्प नहीं है लेकिन यहाँ 12 वोल्ट का भी सॉकेट दिया गया है जिससे अपन चार्जिंग वगैरह इजिली कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके रियर साइड की, यानी सबसे लास्ट रो की। सो फ्रेंड्स, ये आती है हमें पायलट सीट में देखने को मिलती है। यहाँ से सीट फोल्ड करके भी हम पीछे जा सकते हैं, बट इतनी स्पेस तो है कि मैं इजीली यहाँ से पीछे चले जाऊं। मैं वीडियो का अनकट रखता हूँ ताकि मैं आपको इजीली बता सकूं। अब जैसे कि वाली सीट है जो मेरे अकॉर्डिंग सेट की गई, ड्राइवर सीट भी मेरे अकॉर्डिंग सेट की थी। मेरी हाइट है 5'7" 5'8" के आसपास में, ठीक। अब यदि मैं इसके बात करूं तो काफी अच्छा लेगरूम मिल जाता है, हेडरूम भी बहुत प्यारा है, यहाँ पे भी एसी के फ्लो मिल जाते हैं और साथ ही में यहाँ हमें सीट बेल्ट की प्लेसिंग मिल जाती है जो कि काफी अच्छा है। यहाँ पे हमें कुछ रखने के लिए स्टोरेज सामान, यानी स्पेस तो अच्छा खासा देती है, ऐसा नहीं है। और यदि मैं बात करूँ तो तीन बंदे इजीली बैठ सकते हैं ज्यादा, यानी लेकिन लॉन्ग जर्नी में थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, थोड़ी लॉन्ग जर्नी में ज्यादा कुछ ऐसा ये तो नहीं करेंगे। बट जैसा कि आप सबको भी पता है एडल्ट्स के लिए पीछे की सीट होती नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए होती है, बट इसमें एडल्ट्स भी आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे टोइंग हुक मिल जाता है, यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, साथ ही में यहाँ पे एयरबैग की भी बेजिंग दी गई है जो कि अच्छी बात है। इस साइड में भी ग्रैब हैंडल, यहाँ पे सीट बेल्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी सीट बेल्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी एक सीट बेल्ट देखने को मिल जाता है। और ये रहा इसका फ्रंट साइड का पूरा डैशबोर्ड और कंट्रोल्स पूरे। चलिए ये तो बात हो गई अब इस साइड की। अब यदि मैं इसको बात करूं आपको फोल्डिंग की, तो फोल्डिंग इस साइड से भी फोल्ड हो जाती है, साथ ही में इस साइड से भी फोल्ड हो जाती है, दोनों तरफ कंट्रोल्स दिए गए हैं। अभी बारिश थोड़ी बंद हो गई है, चलिए अब आउटरियर अपन इसका कवर कर लेते हैं। तो भाई जैसे ही मैं बाहर के लिए जा रहा हूँ, तो वैसे मुझे यहाँ पे एक नजर पड़ी मेरी भी, यहाँ पे भी एक यूएसबी का सॉकेट दिया गया है, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे भी दी गई है। चलो अब बाहर चलते हैं, बाहर के वीडियो बनाते हैं। जैसे उतरेंगे तो यहाँ पे इनोवा की बेजिंग दी गई है। ये रहा इसका आउटरियर लुक, एक बार देख लो इसको, मैं पूरा वॉक अराउंड दे देता हूँ आपको। ये रही 2.4Z की बीजिंग, साथ ही में इनोवा क्रिस्टा की बीजिंग दी गई है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी मैं मेंशन कर दूंगा एग्जैक्ट कितनी है। मैं इसके टायर साइज की बात करूँ तो इसमें ब्रिजस्टोन के टायर डाले हुए हैं जो कि 215/55/17 इंची अलॉय व्हील है। मैं आपको रोटेट करके दिखा दूँ एक बार, इसमें डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। चलो अब इसके इंजन की बात कर लेते हैं। मैं मिरर की बात करूँ तो यहाँ पे इंडिकेटर की प्लेसमेंट दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही मैं अब इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे 2.4 इंजन दिया गया जो कि 147.51 BHP की पावर निकालता है। साथ ही में टोयोटा का लोगो मिल जाता है। इधर में हमें फॉग लैंप मिल जाते हैं जो कि ई कॉर्नर ऑप्शंस के साथ में नहीं आते हैं। इस साइड में भी यहाँ पे दोनों ही हेड यूनिट LED दी गई है, ना कि हेलोजन। अब इस साइड की बात करूँ तो यहाँ पे भी हमें टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं, यहाँ पे कीलेस एंट्री का भी ऑप्शंस दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।